मोशनिया रिव्यू करने को लेकर आया हूँ और न्यू ईयर पार्टी मनाते हैं यार। इससे 500 पारी पहली बार जिंदगी में पी रहा हूँ। सिल्वर मून पिछली बार पी थी नॉर्मल फ्लेवर में, तो इसका पान फ्लेवर, ओ सिल्वर मून वोडका में थी। हाँ शायद वोडका में थी, पता नहीं क्या पिया था, याद नहीं। आई थिंक मेरे को बहुत पुरानी वीडियो है वो। इस पे MRP 112, बट पंजाब में लूटते हैं तो कितनी होगी, 180। तो पान का पत्ता बना है और सुपारी पड़ी हुई है, टेस्ट करते हैं इसका कैसा है। तो 180 ml की है ये, जिसको क्वार्टर बोलते हैं, पाइया। तो आई कहाँ से है ये हमारे पास, प्रोड्यूस ऑफ इंडिया, इंडिया का ही प्रोडक्ट है, पंजाब से ही है ये हमारे पास, बटाला गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से, बट पंजाब में ही हमको महंगी मिलेगी सिल्वर मून ब्रांड। तो साथ में क्या है, चारी चांप है साथ में। तो नॉर्मली ये चारी चांप के साथ मैं बियर पीता था, वो उसके ब्लॉग नहीं बनाता था कभी कभी, बहुत अच्छा रहता था, अच्छी सी डाइट मेरी चारी चांप के साथ बियर वाली। चलिए आज महफिल शुरू करते हैं, इधर कोयले हैं, मजे से एकदम हैप्पी न्यू ईयर मानेगा। तो कैमरा करते हैं सेट। चेक करते हैं 500 पारी। आवाज धीमे के लिए सॉरी, अभी तक मैं माइक नया ले नहीं सका सका मतलब बस कौन यार इतनी बकचोदी करे माइक वाली। गले में पाकर रखेगा उसको। चलो मैं इसकी सील ओपन करता हूँ, टाइम ना वेस्ट ज्यादा करते हुए, थोड़ा मेरे को सेट करने दो। तो बहुत ही हार्ड वर्क के बाद सील कर लिए ओपन। ढक्कन बहुत अलग सा बना हुआ है इसका। तो चलो जय भैरव बाबा की करते हैं, पहले हम इसका वो ओवरव्यू कर लें। बॉटल ठीक बनाई हुई है, मैजिक मूवमेंट जैसी बनाई हुई है, ठीक रेटिंग है इसकी, बट अभी मैंने पी कर कोई रेटिंग नहीं दी। 500 सुपारी, देखते हैं कैसा रहेगा। सिंपल पानी है, साथ में अचारी चाप है, करते हैं ओपन उसको भी। जिंदगी के मजे लेते हैं, अब नया साल सबके लिए अच्छा रहे। ठीक है, स्मेल परफ्यूम जैसी है, सैनिटाइजर। ओ क्या जलवा है, इधर देखो कैसी लगी मेरी चारी चांप। कुछ लोग बोलते हैं भाई तू बात बहुत करता है जब खाता है। भाई खाते हैं तो आवाज तो होगी ही, सही बोला ना मैंने, तो आवाज धीमी के लिए सॉरी। मजे लेते हैं, आप पहला बैग लगा के 500 सुपारी के टेस्ट वगैरह चेक करते हैं, साथ में चखना बहुत अच्छा है, डेडली है एकदम। खाना भी नहीं खाया मैंने। प्याज चलिए, तो पहला पैक पानी के साथ ट्राई करते हैं 500 सुपारी का। तो पहले आती थी पान इलायची, जिसका मैंने रिव्यू किया भी था, ठीक है, तो उसको मात देने को आई होगी ये, बट देखते हैं मात पाती है ये सिल्वर मून की 500 सुपारी। उसका नाम था पान बनारसी, जय भैरव बाबा की। स्मेल बहुत अच्छी है यार, पान बनारसी तो स्मेल अच्छी है।
गलबात। खाना पीना सोना, बस ऐसी जिंदगी हो चुकी है आजकल। इधर गर्मा गर्म आग, इधर मैं कारपेट पे बैठा हुआ हूँ बस। तो एक विश है आपके लिए, सभी दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। मजे लो अपनी जिंदगी के, भगवान करे जो 2020 में नुकसान हुआ था सारा 2021 में रिकवर हो जाए, जो प्रॉफिट रिकवर हो जाए। तो भगवान ना करे किसी का नुकसान हो, 2021 अच्छा हो आप सबके लिए। तो इस वीडियो में हम एक तो रिव्यू कर रहे हैं पान सुपारी जी का, और एक तो हैप्पी न्यू ईयर मुबारक है आपको। तो दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्तों, पता है ना आपको कौन सा, जसप्रीत 07 वाला, 007। तो अभी इसका मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ मेरे भाइयों। ओ नोटिफिकेशन आई मैसेज की। तो अभी तक जैसे मैंने कोक भी पिया तो बाकी जो विस्की होती हैं उनका टेस्ट चल जाता है, अभी इसका पान का स्वाद मुंह में ही है। तो अचारी चाप यार बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, मेरे को बोलने नहीं दे रही। तो इसके साथ तो नहीं है डेडली, सिंपल है इसके साथ कॉम्बिनेशन। अगर साथ में विस्की होती है ना वो वाली रॉयल स्टैग या आईबी, तो मैंने सोचा क्यों ना पान सुपारी का भी रिव्यू किया जाए, तो इसलिए मैं ये लेके आया। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो इसका टेस्ट है 10 में से 9 है, पीते वक्त कुछ नहीं है, उसके बाद थोड़ा टाइम के बाद आता है ना जो स्वाद, वो थोड़ा हिट मारता है गले को। और जो स्मेल है, स्मेल तो बहुत अच्छी है यार इसकी, पान और सुपारी। तो इसमें सच में पान पाया है क्या इन्होंने, तो वो भी आपको भी पता है जो फ्लेवर डालते हैं इसमें। पान असली पान कौन सा डालेगा, दारू की फैक्ट्री में पान कौन लेने जाएगा ये बताओ मेरे को। चलिए चखना खाकर फिर बात करता हूँ, क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाया। तो लॉकडाउन के बाद भाइयों पहली बार खाई है चाप, लॉकडाउन के बाद खुद घर पे बनाई थी वो खा पी लेते थे। तो बट लॉकडाउन के बाद पहली बार खाई है चाप, तो ये एक बहुत गंदा चीज है। इसका आँख का जो होता है ना वो वाइट वाइट आती है बाहर, आँख की जो ये सवाद जिसको बोलते हैं हम, वो आती है बाहर। सेहत के लिए कुछ माड़ी नहीं है वो भी, बस ऐसे ही। तो स्मेल इसकी दारू की 10 में से मैं आप उसके देता हूँ, अभी फिर से बताता हूँ रियल वाले 10 में से 10, क्योंकि फिल्टर किया है अभी मैंने रिव्यू। 10 में से 10 देता हूँ मैं उसकी स्मेल को, और 10 में से 8.5 टेस्ट को, टेस्ट में कम कर दो अभी तक, क्योंकि पान का मुंह में स्मेल आ रहा है दोस्तों अभी तक। इतनी चाँप भी खाई अचारी, पानी पिया कोक पिया, अभी तक मुंह से पान का महक आ रहा है। महक नहीं टेस्ट भी आ रहा है, महक तो आएगा ही। चलिए दूसरा पैक लगाते हैं फिर करते हैं अपना हैप्पी न्यू ईयर एंजॉय, फिर आपको रिव्यू देते हैं। क्योंकि ज्यादा वीडियोस लंबी करता हूँ तो भाइयों आप देखते ही नहीं हो,
तो भगवान करे जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर होएं और मीटअप करें। तो भाइयों एक मैं बात बता दूं, ये पान बनारसी और सुपारी ऐसी हैं, मत एकदम मेडिसिन टाइप हैं ये मैं आपको बता दूं, महफिल वगैरह में बैठकर पीने वाली नई चीज़ है ये। क्योंकि सच बताऊं तो महफिल में भी पी सकते हो, मतलब अगर रिच वाली महफिल है उसमें नहीं ये काम आएगी, अगर 3-4 बंदे ठंड है तो पान वाली लेकर आओ, हल्के हल्के चखना भी कम है आपके पास, हल्के हल्के इसके 2 पैग मारो कोक या पानी से, बात बन जाएगी। तो अभी हमारी यही न्यू ईयर पार्टी है, क्योंकि पहले चखना वगैरह मैंने नहीं लेकर आया था, पिज्जा वगैरह खाकर हटा हूँ घर वालों के साथ फैमिली के साथ, तो उसमें भी मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया था, पिज्जा गार्लिक ब्रेड बर्गर मोमोस, तो अब इससे मजा लो। तो इधर हमारा पड़ा हुआ है पीसी, आज बैठा मैं कहाँ हूँ वो देखने वाली जगह है, बेड उधर है, कारपेट पे बैठा हुआ हूँ, एकदम डाउन टू अर्थ बंदे हैं यार हम तो। चलिए दूसरा पैग कोका कोला के साथ ट्राई करेंगे, भगवान करे कोका कोला के साथ भी इसका वो रिव्यू अच्छा हो। ठंड अभी बढ़ रही है दिन बे दिन, एक होता है ना कम हो रही, पंजाब में ठंड बढ़ रही है यार। तो यार दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, जसप्रीत OO7 पे, उस पे जल्द ही भगवान खुशी सुख रखे, उस पे 15 या 20 दिन के बाद एक अच्छा सा वो आएगा सरप्राइज, 15 से 20 नहीं, हाँ 1 फरवरी से पहले पहले एक अच्छा सा सब्सक्राइब आएगा, क्या होता है यार सरप्राइज आएगा उस पे, प्लीज उसको सब्सक्राइब करना, जिस पे हम वक्त बदल देंगे इसी चैनल का और जज्बात भी बदल देंगे इसी चैनल के। ये मत सोचो कि हम दारू की कैटेगरी, नहीं दारू यही रहेगी, दारू रहेगी, दारू रहेगी, कंटेंट और भी नहीं आएगा, रहेगी दारू और चखनाई, बट दारू थोड़ी हाईफाई हो जाएगी फिर। भगवान करे आप सबका भला हो 2021 में, मजे से जिंदगी जियो अपनी, सभी लोग तरक्की करें, पास हो, टेस्ट पास करो अपने, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं मजे लो जिंदगी के। चलो एक नई जर्नी है, जैसे 2011 में नई जर्नी एक लाइन शुरू हुई थी 2011 से 20 तक, तो कल से शुरू हो रही है 2021 से 30 तक, भगवान 2020 ऐसा 30 ना हो, नहीं तो 30 मार खान हो जाएगा। बट लॉकडाउन के कुछ पल भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लगते थे, इकट्ठे बैठ के ताश खेलते थे हम लोग, और इकट्ठे बातें करनी, शाम होती थी अपना खाना पानी खाकर फिर वो करना, बैट बॉल खेल लेना, तो घर पे ही खेलना था, मतलब थोड़ा मजे से 4-5 बंदे इकट्ठे होके पास पास में करें, एकदम मजे भी लेते थे, शाम को घूमने निकल जाना दूध के बहाने, पुलिस वाले कुछ नहीं कहते थे, फिर साइकिल लेकर जानी पड़ती थी, तो पेप्सी वगैरह कोक वगैरह पी कर आना। कुछ पल ऐसे हैं लॉकडाउन के जो याद भी आते हैं, बट नुकसान भी बहुत हुआ है लॉकडाउन में कोरोना के कारण, कोरोना के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि यूट्यूब इज डिस्ट्रैक्टेड ऑन कोरोना वायरस टॉक्स। तो एक कॉन्ग्रेचुलेशन और भी है, पार्टी अभी आने वाली है, मेरे को पता ही नहीं था, अभी 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 अभी, अभी के अभी याद आया, 5K वाली पार्टी रहती है उसका ब्लॉग। भाइयों देखो मेरे सभी फ्रेंड्स बिजी हैं, अभी मैं भी बिजी हूँ, मैं ही थोड़ा बिजी हूँ, फ्रेंड्स तो फोन करूँ तो आ जाएंगे, मैं ही थोड़ा बिजी हूँ भाइयों, 1-2 महीने के लिए, सीधी बात बताऊँ 1-2 महीने के लिए, उसके बाद करेंगे हम थोड़ा इस पे रेगुलर कंटेंट,
हाँ बस ऐसा कंटेंट आता रहेगा, लोहड़ी पे इंजॉय होगा, रिपब्लिक डे पे इंजॉय होगा, वैसे एक दो व्लॉग्स आते रहेंगे, महीने के 4-5 वीडियोस तो इजीली आएंगे, बट आपका प्यार चाहिए भाइयों। जय भैरव बाबा की। पान और फ्लेवर हुक्का में पान। तो आज खाना वानी भी नहीं खाया था, तो मैंने सोचा हैवी लूंगा, क्योंकि देखो सुबह का नाश्ता किया था 11-12 बजे, परांठे, आपने वीडियो देखी होगी दूसरे चैनल पे, और दोपहर का खाना खाया 5-5:30 बजे, 3-4 परांठे उस वक्त खा लिए आलू के, तो उसके बाद भूख लगी मेरे को। अब खा रहा हूँ दारू के साथ। पहले भी खाया था थोड़ा, पिज्ज़ा खाया, गार्लिक ब्रेड खाई, बर्गर और मोमोस। चलिए दूसरा पैक लगाते हैं। जय भैरव बाबा, जय भैरव बाबा। तो दूसरा पैक कोक के साथ जब लगाया, इतना मजा आया। कोयले सेट कर लूं फिर बात करता हूं। दूसरा पैक यार कोक के साथ इतना मजा आया, कोक के साथ तो इसको 10 में से 10 रेटिंग देने को मैं राजी हूं। यार चाप का एकदम सत्यानाश हो गया, एकदम ठंडी, एकदम ठंडी। तो ये हमारे ग्लव्स, CID वाले। तो स्कूटी वगैरह पर जब जाना पड़ता है तो लेकर जाना पड़ता है। देखो भाइयों मैं आपको एक बात बताऊं, सारी जिंदगी में आज तक 18-19-20 साल हो गए, मैंने कोटी के ऊपर, मतलब कोटी कोटी के ऊपर कोटी तभी पाई है जब स्कूटी पे कभी जाना हो। तो पंजाब में इस वक्त इतनी ठंड है, मैंने वैसे भी ये 2 कोटी पाई है जिंदगी में, 2 कोटियां पाई हुई है। एक कोटी के ऊपर जैकेट पा रखी है, अब के वक्त देख लो इतनी ठंड है, साथ में आग भी जल रही है। तो बाहर का नज़ारा शायद मैं दिखाऊं आपको, बट अभी आजकल मेरा व्लॉग इतना लंबा करने को मन नहीं करता। आप बताओ कौन सी पी रहे हो, पता नहीं ये न्यू ईयर पे बनाई हुई वीडियो कब आएगी। बहुत स्ट्रेसफुल जिंदगी जी रहा हूँ भाइयों, क्योंकि भाई मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहता यूट्यूब पे कि सैड सा, जिसका रोग मेमे लोग जिसका मेमे बना लें। जैसे वो एक बंदा था पैराग्लाइडिंग कर रहा था, सैड में उसने वीडियो बनाई, उसका मेमे बन गया। तो ऐसा कुछ मैं करना नहीं चाहता, हमारे में भी एटीट्यूड है, हम दारू वाले होते हैं भाई।
बिना पैसे के हमारी वीडियो नहीं बनती, बता दो इन सभी कैटेगरी वालों को। हाँ भाई है ना, यूट्यूब हैं हम, सभी यूट्यूबर हैं, यूनिटी चाहिए। बट अभी मैं एक बात बताऊं, अभी रोस्टिंग शुरू नहीं हुई है दारू के चैनलों की, नहीं तो अभी हमारे 25-30 हज़ार सब्सक्राइबर से पार होते अगर हमारी भी रोस्टिंग किसी ने की होती। कोई बात नहीं, भगवान सबका भला करेगा। भाइयों मैं एक बात बोल दूं आपसे, गुस्सा मत करना। देखो मैं, मेरा मानना है भगवान है और नहीं, मेरा एक मानना है कि खुद पे विश्वास रखो, वो ही भगवान है। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? अगर नहीं सच बोल रहा हूँ तो भाइयों गाली मत देना, वीडियो डिसलाइक कर लो, इतना कर सकते हो। मेरा मानना है भगवान सिर्फ अपने आप में है, उस पे अगर यकीन रखो, अपना एकदम काम सीधा करो, ठीक है? यकीन है हाँ कि मेरे को यकीन है कि हाँ मैं तीसरा, छोड़ो इस पे नहीं बनाऊंगा बात, मेरे को यकीन है कि मैं इसको उठाऊंगा, ये जो पड़ा है इसको उठाकर अभी हिलाऊंगा, तो हाँ मेरे को पता है मैं अभी ऐसा करूंगा, तो ऐसा ही वो है। तो मेरे को यकीन है कि हाँ मैं ये काम करके आया हूँ, ये होगा ही होगा काम, ये यकीन है, ये पूरा हो गया तो मेरा भगवान है, ठीक है? वो भगवान है, मेरा ये मानना है। तो अगर मैं गलत हूं तो आप बता दो, भगवान ये है। खुद पे विश्वास रखो, भगवान ने कहा है, बस अच्छे काम करो, लड़कियां मत छेड़ो बहन चोद, हाँ अच्छे काम करो, अच्छी सी यूनिटी में रहो, लड़की की रिस्पेक्ट करो, अगर वो करवाना चाहती है तो करो, नहीं तो उनके मुंह पे मत लगो। तो चलो करते हैं महफिल शुरू। मैं बहन चोद बहुत भाषण देता हूँ, बहुत ज्यादा। तो मेरे पैर हुए हैं सूजे, किसकी वजह से सूजे हैं? वो एक गर्म पानी वाला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, हीटर टाइप होता है, यो गर्म पानी करके बॉडी पे लगाते हैं, इसको ब्लडर टाइप होता है, वो है मेरे पास, बट उसमें पानी सीधा डायरेक्ट ही गर्म होता है, हीटर टाइप। तो वो पैरों पे लगा दिया था तो पैर सूज गए। तो चलो फिर से मैं खाता हूँ अपना थोड़ा सा चखना, फिर लगाते हैं तीसरा पैक। तो चलिए तीसरा पैक लगाते हैं, बस तीसरा पैक डाल लूंगा भाइयों, अभी मैं पीने नहीं वाला। पीने नहीं वाला, आपको थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ वीडियो, क्योंकि लंबी होती रहती है, कुछ लोग वीडियो लंबी नहीं देखना पसंद करते, तो मैंने अब से बनाया 30 मिनट से कम ही बनाऊं वीडियो को। हाँ ठीक चल रहा है अभी तक तो सब कुछ, मतलब कि दारू ठीक है, बट भाइयों चखना वगैरह के साथ कुछ कामयाब नहीं है दारू, क्योंकि उसमें पान फ्लेवर आ रहा है, ठीक है? और उसमें यार स्पाइसी फ्लेवर तो बाद नहीं बन रही, तो दारू होती नॉर्मल, ये है बिना चखने वाली दारू, सच बताऊं तो ये बिना चखने वाली दारू है। तो बिगनर्स इसको ट्राई कर सकते हैं, एक दो पैग हल्के हल्के मार के मजे से सोएं, पान खाएं इसका। तो जो चखना पसंद नहीं करते उनके लिए भी बेस्ट चीज़ है, और यो मेरे भाई मैं कहना नहीं चाहता, एक्सपेंसिव जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, भाई मेरे दिल से उनको धन्यवाद जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ऐसा देखने के लिए, तो वो इस दारू को ट्राई कर सकते हैं। मैं तो भाई चखना, सीधी बात बताऊँ, न्यू ईयर था, अचारी चाँप ले आया था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे चाँप खाई को। तो यहाँ एक पास में लड़का था छोटा सा, हमारा प्रिय मित्र है वो, बहुत बहन चोद है वो। तो बातें बूते करते हैं हम, वो बोला चांप लेने चलते हैं,
उसका कुछ इंटरेस्ट नहीं है खाने में चांप, तो बस भैया चांप लेने चलते हैं। भोसड़ी के स्कूटरी पे पीछे बैठकर जूते लेने चल लेने होते हैं, तो वो लगाते हैं तीसरा पैग भाइयों। तो अभी मैं रिव्यू देना चाहता हूँ, क्योंकि दारू हमने सीधी बात बताऊँ पी है 12 से 13 दिन बाद आज। हमारे को भगवान करे कोई लत नहीं है ऐसी, हम वीडियो बनाने के लिए पीते हैं भाइयों, वैसे कभी कभी गम मिटाने के लिए पियेंगे। अभी लोहड़ी के बाद पीऊंगा, अभी मैं सीधी बात बताऊँ अभी मेरा कोई प्लान नहीं है लोहड़ी के बाद का प्लान है, बट पहले भी अगर हो जाए तो अगर कुछ नया कंटेंट मिले तो ले आऊंगा। भैरो करे आप सबके लीवर बड़े बड़े करे। चलो बताता हूँ रिव्यू। टेस्ट में इसको दिया था मैंने 8.5। स्मेल मैंने दिया था 10 में से 10। स्मेल ठीक है, टेस्ट थोड़ी कम थी। तो नशे में देता हूँ इसको बिगनर्स के लिए भाइयों, आपके लिए 10 में से 10 है, सबके आपके लिए ओवरऑल 10 में से 10 है, मतलब सभी पॉइंट्स में आपके लिए 10 में से 10 हैं बिगनर्स भाइयों। तो जो लेजेंड बंदे हैं भाइयों हमारे लिए, हाँ भाई सॉरी सॉरी बिगनर्स हूँ आपके लिए थोड़ा टेस्ट में कड़वी है, जो लेजेंड बंदे हैं भाइयों हमारे लिए भी 10 में से 10 है, ये सभी में वैल्यू ऑफ मनी है। ठीक है, आपके यहाँ के लिए 120-130 रुपए की आपके मिलेगी, तो वैल्यू ऑफ मनी है। हमारे पंजाब में बैंड इतना भैंचो कोका कोला नहीं महंगा जितनी दारू आती है, चाहे भैंचो 5 लीटर कोका कोला ले लो, दारू उससे फिर भी क्वार्टर महंगा ही होगा। तो भगवान करे सस्ती करे दारू। चलो बढ़िया है ये दारू, ब्लू मून का, सिल्वर मून का जो है क्वार्टर था 5 सुपारी का। तो मैं अभी डिफरेंस एक बार कवर कर देता हूँ कौन सी अच्छी थी। तो ये अगर नशे में बात करें भाइयों तो ये वाली अच्छी है, अगर जिंदगी के मजे बस हल्का फुल्का तो 5 बनारसी अच्छी है। तो 5 सुपारी इज बेस्ट फॉर नशा, गम मिटाने के लिए, रम पीने के लिए, बट ये ऐसे काम में नहीं है कि आप इसको हल्के से पानी में लेते हो और जिससे आपका रेशा वगैरह गला साफ हो जाए, बट 5 बनारसी ऐसी है जिसको आप हल्के से पानी में लो एकदम एकदम मेडिसिन टाइप है, बट इसमें टेस्ट में 5 बनारसी वाला है। ठीक है, तो भाइयों तीसरा बैग लगाता हूँ मैं। ओवरऑल इसकी रेटिंग बिगिनर्स देंगे 9 और लेजेंड ओवरऑल रेटिंग इसकी देंगे 10 में से 10। लव यू मेरे भाइयों वीडियो देखने के लिए, हैप्पी न्यू ईयर 2021 आपका, जिंदगी का इतना अच्छा बन जाए हमारे साथ, अगर महफिल देख रहे हो कि भगवान, यही दुआ करता हूँ कि आपका 2021 बहुत बढ़िया हो। ठीक है, 2020 तो बहन चोट था, बट भाइयों बता दूं 2021 बोल रहे हैं, कुछ भविष्यवाणी हुई है, मैं ये नहीं बताना चाहता कौन किसने किए कैसे किए हैं, बट मैंने सुना है कि बोल रहे हैं कि 2021 उससे भी खराब है, तो हमको ऐसा नहीं चाहिए। 12 बजने वाले हैं, हे भैरव बाबा 2021 गुड हो सबकी लाइफ का, सब लोग तरक्की करें 2021 एक नई लाइन में। ठीक है, तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, इधर गर्मा गर्म कोयले चाँप, बाय बाय मेरे दोस्तों मेरे मित्रों। 30 मिनट की वीडियो है आपकी जिंदगी के साथ, हमारी जिंदगी के कुछ पल। लगाता हूँ तीसरा पैक बाद में, बाय बाय।